हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनशाइन आर्टिफैक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि इस क्राफ्ट का मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, तो आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कॉन्क्रीट ब्लैंक कोस्टर। अब इस पर मैं वाइट ग्लू और वाटर का मिक्सचर लगा रही हूँ। 1:1 रेशियो में वाइट ग्लू और वाटर को आप मिला लीजिए। मैंने फेविकॉल यूज़ किया है, आप कोई भी अच्छा सा ग्लू यूज़ कर सकते हैं। देन इस पूरे कोस्टर को अच्छे से कवर कर देना है ग्लू से ठीक से, और उसके बाद एक पेपर पर जो प्रिंटआउट लिया हुआ है आपकी, कोई भी अच्छा सा आप सेइंग ले सकते हैं, विशेज ले सकते हैं, उसको प्रिंटआउट को कट करके इस कोस्टर के शेप के अकॉर्डिंग उस पर चिपका देंगे। एंड एक कार्ड लेकर या कोई भी एक शार्प ऑब्जेक्ट लेकर हम उसको ठीक से पेस्ट कर देंगे, ताकि पूरा वो जो कोस्टर बेस है उससे चिपक जाए हमारा पेपर। देन उसको हम थोड़ा सा सूख जाने देंगे। उसके बाद फिर जब थोड़ा सूख जाएगा तो उसके ऊपर हम फिर से वाइट ग्लू और वाटर का, जो हमारा मॉड पॉज आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक लिक्विड है, वो हम फिर से इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। देन वो लेयर सूख जाने के बाद फिर हम इसको चाहे तो और एक दो लेयर्स लगा सकते हैं, उससे और ग्लॉसी हो जाएगा आपका, शाइनी हो जाएगा ये जो आपका क्राफ्ट है। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा तो हम एक सैंड पेपर लेके इसके जो कॉर्नर्स हैं, पेपर जो कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर निकला हुआ है, उसे हम हटा देंगे। सैंड पेपर की मदद से आप उसे अगर रब करेंगे तो वो अच्छे से हट जाएगा और आपका जो पेपर है वो आपके बेस के साथ पूरा मिल जाएगा। इसको अच्छे से रब करने के बाद जब इसके एज हम स्मूथ कर लेंगे, तो आप अगर चाहें तो इसके ऊपर वार्निश का भी एक कोट लगा सकते हैं। नीचे के साइड पर भी आप वार्निश लगा सकते हैं, ताकि ये वेदर के हिसाब से ख़राब ना हो जाए। और आपका क्राफ्ट तैयार है। लुक हाउ शाइनी एंड ब्यूटिफुल इट इज़। इसको आप टेबल टॉप डेकोर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या हुक लगाकर आप वॉल हैंगिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।